तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया कि आपको अमेजन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसमें अपना बैंक अकाउंट टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप करना है, उसमें आपको किसी प्रोडक्ट का लिंक को कॉपी कैसे करना है, जनरेट कैसे करना है, और फेसबुक पेज में या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में कैसे डालना है। तो उस तीनों वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा तो उस तीनों वीडियो का लिंक मैं अपने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फेसबुक में अपने अकाउंट क्रिएट करते समय अमेजन का जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं बना रहे थे तो उसमें अपने बहुत सारा बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप किया था, टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप किया था, वहाँ पे अपना नंबर डाला था, तो सारे चीज़ को आप एडिट कैसे कर सकते हैं, अगर चाहे तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो कैसे करना है, उसमें बैंक अकाउंट चेंज करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप उसको जो दिए हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊँगा कि अगर आपने आपका मन भर गया अमेजन अफिलिएट अकाउंट करते करते, अगर आपका अर्निंग नहीं हो रहा है या आप नहीं करना चाहते तो उसको परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, आप अपना अमेजन अकाउंट को जो बनाया है उसको परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं। ऐसा कभी होगा नहीं दोस्तों, डिलीट मत कीजिएगा। आप बहुत अच्छा खासा इससे लोग पैसा कमा रहे हैं, अभी कमा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ से हम बोर हो जाते हैं, हमको मन नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो ऐसा दिमाग में आ जाता है कि उसको डिलीट कैसे करना है। तो इस पर भी मैं वीडियो बना देना चाहता हूँ कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कोई, तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप उसको परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, और साथ में बताऊंगा कि आप उसमें कोई भी चीज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं, जो भी आपने बैंक अकाउंट या नंबर कुछ भी दिया टैक्स इन्फॉर्मेशन उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अमेजन एफिलिएट अकाउंट में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं या उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अमेजन क्रोमो ब्राउजर अपने फ़ोन में ओपन कर लेना होगा, वहाँ पे amazon.in टाइप कर लेना होगा। टाइप करने के बाद आप 3 लाइन पे अपने फ़ोन में क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइड में अपने फ़ोन को इनेबल कर लेना है। दोस्तों इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एक आपको अर्निंग का ऑप्शन दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो आपको अमेजन एफिलिएट अकाउंट का ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली मैं अर्निंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैंने पहले से लॉगिन कर लिया है। अर्निंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जीमेल आईडी मिलेगा देखने को, जिस जीमेल आईडी से अपने अमेजन एफिलिएट अकाउंट को लॉगिन किया है वो जीमेल आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा भी जीमेल आईडी यहाँ पे आपको शो कर रहा है सबसे किनारे में यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा आपको क्या करने का, अपने जीमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक करना है। जीमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट सेटिंग का, सबसे ऊपर 4 ऑप्शन आएगा तो सबसे ऊपर आएगा अकाउंट सेटिंग, तो सिंपली से अकाउंट सेटिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारा लिंक आ गया, ब्लू हरा हरा कलर का, मतलब बहुत सारा आ गया लिखा हुआ यहाँ पे, बहुत सारा ऑप्शन आ गया। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे आ गया चेंज योर पासवर्ड, उसके नीचे है एडिट योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट, इसके नीचे एडिट योर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिंक स्टोर आईडीएस, मैनेज योर ट्रैकिंग आईडीएस, चेंज योर ईमेल प्रेफरेंस, एसोसिएट साइट स्ट्राइप ऑप्शन, क्लोज योर अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है चेंज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप चाहते हैं देखिए दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं अपने अमेजन एफिलिएट अकाउंट का तो यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जो चीज़ जैसे वेबसाइट स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएट करते समय डाला था या यूट्यूब चैनल का या फेसबुक पेज का उसको बदलना चाहते हैं या और उसमें प्लस करना चाहते हैं तो देखिए एडिट योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आप उसमें और प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट योर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इस वेबसाइट जो आपने डाला था जब मैं अकाउंट में क्रिएट कर रहा था तो अपने वेबसाइट डाला था, वेबसाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन डाला था 2 लाइन लिखा था उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना नंबर उमर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पेमेंट मेथड है दोस्तों, आपने जो बैंक अकाउंट डाला था टैक्स इन्फॉर्मेशन डाला था उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू योर पेमेंट प्लान, यहाँ पे व्यू पेमेंट हिस्टोरी सब देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सब कुछ यहाँ पे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब आपको परमानेंटली इसको बैन करना है, मतलब परमानेंटली सॉरी दोस्तों डिलीट करना है इसको एफिलिएट अकाउंट को। तो सिंपली से देखिए यहाँ पे क्लोज योर अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली से क्या करना है आपको कि क्लोज योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लोज योर अकाउंट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है टेल अस व्हाई यू आर क्लोजिंग योर अकाउंट, मतलब ये बोल रहा है कि आप एफिलिएट अमेजिंग अकाउंट क्यों बंद करना चाहते हैं, आपको एक रीजन देना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन है, सिंपली सेलेक्ट का ऑप्शन पे आपको यहाँ से बैक आ जाते हैं थोड़ा सा गलत, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन है दोस्तों, सेलेक्ट का ऑप्शन पे आपको एक बार टाइप करना है, मतलब क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, आप कुछ भी यहाँ से चूज कर सकते हो। देखिए जैसे मैं लिख चूज कर लेता हूँ आई एम नॉट अर्निंग इनफ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लोज योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन आ गया। अब सिंपली से आपको क्या करना है कि क्लोज योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से आपके ऊपर साइनअप का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद फिर से आपको साइनअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से आप न्यू अमेजन अकाउंट मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो इस मेरे को करने नहीं है दोस्तों अमेजन अकाउंट अपना परमानेंटली डिलीट, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अमेजन अपना अमेजन एफिलिएट अकाउंट मतलब परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं अपना अमेजन एफिलिएट अकाउंट तो आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।